The name of Allah is the most merciful and kind. Yeah, introduction of university. University की orientation ये introduction है वो क्या है? तो basically ये video नए आने वाले students के लिए जो college से university आ रहे हैं, तो बुनियादी तौर पर क्या क्या चीज़ें हैं जो college से university में जो उनको नई मिलेंगी, तो उसमें सबसे पहला है GPA. GPA basically होता है grade point average. ठीक है, G से है grade और P से है point और ए से है एवरेज. तो सबसे पहले है ग्रेड पॉइंट एवरेज, फिर उसके बाद है प्रेजेंटेशन, असाइनमेंट, क्विज, इसके 25 मार्क्स होते हैं. फिर हम अगर मार्क्स की बात करें टोटल ओवरऑल, तो एक सेमेस्टर के अंदर पर सेमेस्टर के अंदर 100 मार्क्स होते हैं. उसमें जो है 25 आपके मिड में चले जाते हैं. मिड जो है हर 3 महीने के अंदर कंडक्ट किया जाता है. उसके बाद है सेशनल मार्क्स. सेशनल मार्क्स वो होते हैं जो कि आप प्रेजेंटेशन देते हैं, असाइनमेंट देते हैं और क्विज देते हैं, इनको कहते हैं सेशनल मार्क्स. ये टीचर के अपने हाथ में है कि वो इसके 25 नंबर होते हैं, चाहे वो आपके क्लास पार्टिसिपेशन पे दे, प्रेजेंटेशन तो वो होगा ही होगा, इसके साथ असाइनमेंट भी आपने देनी है और क्विज भी देनी है. तो मिड 25 मिड के और 25 सेशनल के और 50 जो है, सॉरी मिड नहीं, फाइनल के, ये टोटल बने हैं 100. सो एक सेमेस्टर में जो है वो 100 मार्क्स होते हैं. इसके साथ साथ ओरिएंटेशन यूनिवर्सिटी की यही है कि यूनिवर्सिटी में जो है सबसे पहले, वैसे तो ईयरली एनुअल एग्ज़ाम लिया जाता है, लेकिन यूनिवर्सिटी में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो है GPA के बेस पे, CGPA ग्रेड पॉइंट एवरेज के बेस पे एग्ज़ाम लिया जाता है. और दूसरी चेंजिंग क्या है, वो है प्रेजेंटेशन. कॉलेज में, शायद स्कूल में नहीं लिया जाता, लेकिन यहाँ पर जो है कि सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, आपके कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, तो प्रेजेंटेशन ली जाती है, जो कि एक लाइव होता है कि सारे क्लास वाले बैठे होते हैं, आपको एक टॉपिक दिया जाता है जिसके ऊपर जो है आपने बात करना है. और इसके अलावा असाइनमेंट, असाइनमेंट बेसिकली एक रिसर्च टॉपिक है, एक रिसर्च RCH. ये रिसर्च है कि आपको एक टॉपिक दिया जाता है जिसके ऊपर आपने जो है रिसर्च करना है. इसके बाद है क्विज. क्विज होता है बेसिकली एक क्वेश्चन दिया जाता है जो आपको पढ़ाया जाता है, उसी का ही आपका क्विज लिया जाता है. इसके 5 या 10 नंबर होते हैं, हर एक यूनिवर्सिटी का अपना लेवल है, लेकिन यहाँ पर जो है आपका लुक काफ़ी मायने रखता है. आपकी बॉडी लुक, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका पोस्चर, जेस्चर, आई कॉन्टेंट, ये काफ़ी ज़रूरी होता है आपके कॉन्फिडेंस के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि जहाँ कहीं भी आप जाएंगे सबसे पहले जो है आपका पहला तारुफ, आपका जो एक्सटर्नल लुक है वो होता है. तो ये यूनिवर्सिटी की एक शॉर्ट सी डेफिनेशन थी जो मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को बताऊं. बुनियादी तौर पर ये वीडियो उन लोगों के लिए जो कॉलेज से अभी दाखिला लिया है और फर्स्ट सेमेस्टर में है. बहुत शुक्रिया, वसलाम.